फाइनली दोस्तों आज दोपहर 12:30 बजे रियलमी ने अपने दो बेहतरीन स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया। दोस्तों एक स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, दूसरा 4G स्मार्टफोन है। दोस्तों यहाँ पे जो 4G स्मार्टफोन है 8,999 रुपये में मेडियाटेक हीलियो G85 का सबसे सस्ता वाला स्मार्टफोन है और यहाँ पे बेहतरीन फीचर दिए जा रहे हैं। और वही दोस्तों जो रियलमी नार्ज़ो 13 प्रो है वो मेडियाटेक डायमेंसिटी 800U का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है, यानी कि इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन ये बन चुका है लॉन्च हो जाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, रियलमी नार्ज़ो 30 प्रो इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है। तो दोस्तों ऐसे में इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इस स्मार्टफोन में क्या कुछ बेहतरीन फीचर दिए जा रहे हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तभी कभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों, सभी मित्रों, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलिए शेयर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों ही डिवाइस की बात करने वाले हैं और आपको बता दें कि दोनों ही डिवाइस एकदम बेहतरीन फीचर के साथ हैं। दोस्तों एक 4G का मीडियाटेक हीलियो G85 का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। दोस्तों जो G85 पे स्मार्टफोन है वो 10,000 11,000 12,000 के आसपास के मिलते हैं, यानी कि 10,000 रुपये से उनकी स्टार्टिंग है। लेकिन यहाँ पे जो रियलमी नार्ज़ो 13 ये है वो आपको सिर्फ 9,000 रुपये की प्राइसिंग से स्टार्ट है, 8,999 रुपये की प्राइसिंग से स्टार्ट है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये दो कलर वेरियंट में आता है। और यहाँ पर दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा रहा है। अगर बात करते हैं पूरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, तो हम रियलमी नार्ज़ो 13A की बात कर रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की, पॉलीकार्बोनेट की, लेकिन डिज़ाइन और लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और रियर पे ही रहते हैं तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ट्रिपल रियर कैमरा जो है आपका 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मौजूद है। अब फ्रंट पे आते हैं तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सेल्फी कैमरे से आप जो फेस अनलॉक फीचर का लाभ उठा सकते हैं और रियर पैनल पे भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है इस स्मार्टफोन में। अगर इंटरनली बात करते हैं, अंदर के पार्ट की बात करते हैं, तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि हीलियो G85 का सबसे सस्ता स्मार्टफोन अवेलेबल है। इस स्मार्टफोन में आपको 2GB रैम और 3GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट है, और इसके साथ साथ 4 और 64 का भी यहाँ पे एक वेरिएंट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे जो 3 और 32 है वो 8,999 रुपये और 4 64 जो है वो 9,999 रुपये का मौजूद है। इस स्मार्टफोन में 6,000 mAh की बड़ी बैटरी दी जा रही है और साथ ही साथ दोस्तों इसे चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, और वहीं USB Type-C दिया जा रहा है। और इस स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज कर लो, चाहे बैटरी कुछ भी चार्ज कर लो, रिवर्सेबल चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन में सिम कार्ड की, तो ट्रिपल सिम स्लॉट दिए जाएंगे, यानी कि आप जो है दो SD का, एक SD कार्ड और दो सिम आसानी से आप लगा सकते हैं इस स्मार्टफोन में। ओवरऑल बात करते हैं इस स्मार्टफोन की, तो बात करेंगे उससे पहले सेल्फी की, हमने बात नहीं की, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी दिया जा रहा है। अब दोस्तों सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो ये है इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, जो कि 6GB रैम और 64GB के वेरिएंट के साथ 16,999 रुपये का मौजूद मिलेगा आपको। और इसकी सेल जो है 4 मार्च को लगेगी। वहीं 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला 20,000 का जाता है, यानी कि सबसे सस्ता लेना है तो 6GB और 64GB के वेरिएंट वाला आप इस स्मार्टफोन खरीद लीजिए। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो वापस से बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की जाती है, पॉलीकार्बोनेट की, और यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी ठीक है, एकदम अच्छा और प्लेन लुक देखने को मिलता है, जो काफ़ी मज़ेदार लगेगा। अगर यहीं बात करते हैं इस स्मार्टफोन को, अगर आप खरीदते हैं और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10% का तुरंत ही डिस्काउंट ले लीजिए। अगर वहीं बात करते हैं पीछे के साइड, तो जो बिल्ड क्वालिटी की बात कर लीजिए, तो इसके बाद ट्रिपल सिम स्लॉट, यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है, और जो
दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यहां पे आपको देखने को मिलता है। जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके इंटरनली पार्ट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों 30 वाट का फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों टाइप सी तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बटन पावर बटन पे आपको इनबिल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि पंच होल के साथ आता है। और यहाँ पे अगर कैमरे की बात कर रहे हैं तो 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं 5G की, तो दोस्तों डुअल बैंड 5G है, यानी कि 5G प्लस 5G दो सिम लगा सकते हैं। और आप लोगों में सवाल आता है, 5G स्मार्टफोन लेंगे तो 4G सिम काम करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली काम करेगा यार। 5G का मतलब कि जो 2G 3G 4G ये रहेगा, लेकिन साथ ही साथ 5G भी रहेगा उसमें। जब 5G नेटवर्क आएगा तो हम 5G सिम का लगाएंगे तो वो 5G नेटवर्क हमारे मोबाइल में काम करने लगेगा। और अदरवाइज अगर हम 5G फोन नहीं लिए हैं तो 2G 3G 4G हमारा काम करेगा, उस सिम के हिसाब से है। और यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो मिडेटेक डायमेंसिटी 800U, जो कि इस प्रोसेसर पे सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन यही है, रियलमी नार्जो 13 प्रो है। अगर बात करते हैं इसके और फीचर की, तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन से आप जो दूसरे टैबलेट वगैरह फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर दिया है इससे काफ़ी अच्छी गेमिंग की जा सकती है। G85 से भी गेमिंग अच्छी खासी की जा सकती है। यहाँ पे जो इंडिया का जो फौजी गेम है, इसे तो आप झाड़ के फाड़ के जैसे मन चाहिए वैसे चला लीजिए, मगर गेम घटिया है। यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरे की बात करते हैं तो ठीक ठाक निकल के कैमरा ये चलाएगा। ओवरऑल अब जो है इस स्मार्टफोन को खरीदने की बात आ रही है, खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। दोस्तों G85 के साथ अगर आप चाहते हैं कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, तो 10,000 रुपये में रियलमी नार्जो 13 ये है। 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है और साथ ही साथ USB टाइप सी दिया जा रहा है। 13 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा रहा है। यही दोस्तों ये मात खा जा रहा है, अदरवाइज़ ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा था। दोस्तों और दूसरे स्मार्टफोन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा थोड़ा अपग्रेडेड देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और है कि यहाँ पे 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी जा रही है। तो आप देखिए थोड़ा सा नया में आया है, कुछ खास फीचर दिए जा रहे हैं। तो G85 के साथ रियलमी नार्जो 13 को खरीदना बुरी बात नहीं है, इसे आप जो है खरीद सकते हैं अगर आप जो है 10,000 रुपये तक का स्मार्टफोन खरीदने के प्लान में हैं। अगर वही बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जो है सोच रहे हैं यार एक 15-16 हज़ार रुपये में हम अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद लें, तो ये स्मार्टफोन जो रियलमी नार्जो 13 प्रो है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 4G तो काम करेगा ही करेगा, यानी जो आपके पास मौजूदा नेटवर्क है 4G नेटवर्क है वो काम करेगा। लेकिन अब जो है जो 5G नेटवर्क आ जाएगा तो आपको स्मार्टफोन अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। रियलमी नार्जो 13 प्रो काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे गेमिंग वगैरह झाड़ के फाड़ के चल जाएगा। और साथ ही साथ 6GB रैम दिया जा रहा है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है, ट्रिपल सिम स्लॉट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों पुराने ज़माने का कोई नया ये क्वालिटी वगैरह भी नहीं दिया जा रहा है, नए ज़माने का क्वालिटी दिया जा रहा है, जैसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जो है 15-16 हज़ार रुपये खर्च करने के प्लान में हैं, तो बेशक आप जो है रियलमी नार्जो 13 प्रो खरीद सकते हैं, एकदम अच्छा ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए। अच्छा ऑप्शन की बात कर रहे हैं क्या, अच्छा बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए है। वहीं अगर आप जो है और नहीं हम जो है 20,000 रुपये तक का स्मार्टफोन खरीदेंगे, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ रियलमी X7 है उसे खरीद सकते हैं। या फिर और आगे जाना चाहते हैं तो आप जो वन प्लस नॉट खरीद सकते हैं, और आगे जाते हैं तो आप जो है और भी 5G स्मार्टफोन अवेलेबल हैं उनको आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 16-17 हज़ार में 4G की अपेक्षा इस स्मार्टफोन को खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप में, और आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, तेज बोल रहा हूँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो तक, धन्यवाद।